हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चल रही हैं युवराज बैच की क्लासेस और ये है आपका लेक्चर नंबर 22, जो शायद तक ये इस टेंस सीरीज का लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि टेंस में सब कुछ हो चुका है एंड वी हैव द ओनली लास्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसका टेस्ट लेकर के आए हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस हम पहले कर चुके थे, अब इसके टेस्ट की बारी है। सो गाइस, कम टुगेदर एंड लेट्स सॉल्व अ टेस्ट। ओके, चलिए आइए इस टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 49 हमारे साथ है एंड युवराज इज ऑल्सो विद अस। सो युवराज बैच के सभी बच्चे तैयार हो जाएं आंसर देने के लिए। चलिए, पहला, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 मिनट। यस, सो देखिए यहाँ पे है कि द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट। युवराज ने बिल्कुल सही यहाँ पर फॉर लगाया है, बिकॉज टाइम का ड्यूरेशन है एंड ड्यूरेशन के लिए क्या लगता है, फॉर लगता है। द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 मार्क्स विल बी गिवन। माता जी आधा घंटे से खाना बना रही होंगी। मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही लग रहा है। द मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर इन द ग्राउंड। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। ओके, मैदान में है वैसे। ओके, तो इन द ग्राउंड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फॉर एन आवर, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे। द चीफ मिनिस्टर विल हैव बीन डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 1 आवर। द चीफ मिनिस्टर विल हैव बीन डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन द स्टेज, वेरी गुड। डिलीवरिंग अ स्पीच आपने बिल्कुल सही बताया, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। ओके, याद रखिएगा एन आवर होता है ANHOUR, क्योंकि आवर जो होता है उसमें बोलने पर एच साइलेंट हो जाता है, तो क्या आता है, वॉवेल की सेंस आती है, तो वॉवेल के साथ क्या लगता है, एन लगता है, क्या लगता है, एन आवर। वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। He will have been singing a song, अब भाई सुनना, लिसनिंग, लिसनिंग म्यूजिक होगा, संगीत को म्यूजिक बोलते हैं, लिसनिंग म्यूजिक फॉर, यस, ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, याद रखिए लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंगिंग अ सॉन्ग होता है बट लिसनिंग टू म्यूजिक होता है, लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा 10 बजे से उसका इंतजार कर रही होगी। राधा राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर हर, वेटिंग फॉर हर या हिम, वेटिंग फॉर हर या फॉर हिम। राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock, बिल्कुल सही, फुल मार्क्स। वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे। दे विल हैव बीन राइटिंग एसे फॉर 1 ईयर। दे विल हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर 1 ईयर, बिल्कुल सही। दे विल हैव बीन राइटिंग, 1 साल से निबंध है, 1 मिनट, 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे, एन एसे होगा यहाँ पे। ओके, They will have been writing an essay. एक निबंध होता तो हालांकि एक लगा देते an essay, but निबंध plural sense भी ले सकता है, इसलिए यहाँ पर essays लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? Essays. हो सकता है कि plural sense ले ले, कई सारे निबंध लिख रहे हों, क्योंकि निबंध को हिंदी में plural में निबंध ही बोलेंगे। ओके, सो दे विल हैव बीन राइटिंग एन एस ए फॉर 1 ईयर या दे विल हैव बीन राइटिंग essays फॉर 1 ईयर, दोनों सही है। हम 6 महीने से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे। His computer. His computer for 6 months. Yes, so we shall have. अब देखिए यहाँ पर we shall have क्यों? क्योंकि कल्पना की बात है, तो कोई इरादा तो हो नहीं सकता कल्पना में। कल्पना में कभी इरादा होता नहीं है, है ना? So we shall have been using her computer. तो इसमें आपको 0 marks मिलेगा, गलत है ये। We shall have been using her computer या his computer for 6 months. ठीक है ना? क्योंकि future की बातों में तो आप कल्पना ही कर सकते हो ना भाई। हाँ, इरादा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? इंडिया टीम बोल सकती है कि हम शायद जीत चुके होंगे,
इंडिया टीम ये नहीं कह सकती कि हम जीत ही चुके होंगे, ये सुनो। सो राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत गा रही होगी, राधा विल हैव बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग, राधा विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock, वेरी गुड। मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रहा हूंगा, starting my business since May. I shall have been starting my business since May, right? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपकी first exercise हो चुकी है, next exercise negative होती है। चलते हैं next exercise negative की तरह, exercise 50। सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे, यस। तो देखते हैं, द स्टार्स विल नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई, आपने बीन छोड़ दिया था, द स्टार्स विल नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock, ओके। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइस सिंस मॉर्निंग, वेरी नाइस, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइस सिंस मॉर्निंग, एग्जैक्टली। वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा, वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा, he will not have been working in the factory for 6 months, very good, बिल्कुल सही, he will not have been working in the factory for 6 months, वह अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा, आगे बोलिए, स्टार्टिंग हिज बिजनेस सिंस अप्रैल, यस, सो ही विल नॉट हैव बीन रनिंग, बिजनेस चलाने को रनिंग बोलते हैं, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत करना, बिजनेस चलाना रनिंग में आएगा, ही विल नॉट हैव बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस अप्रैल, ही विल नॉट हैव बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस अप्रैल, हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, We shall not have been going to the school since Monday. Very nice, बिल्कुल सही। Next, हम 1 बजे से कपड़े नहीं धो रहे होंगे। We shall not have been washing. एक मिनट, आपने शायद इसमें ऊपर वाले में been नहीं कहा ना? We shall not have been going to school कहा था? We shall not have been going to school. चलिए ठीक है। बोलिए, हम 1 बजे से कपड़े नहीं धो रहे होंगे। We shall not have been, ठीक ना, याद रखिएगा, shall के, हाँ, we shall not have been washing clothes since 1 o'clock, हाँ, we shall not have been washing the clothes since 1 o'clock, exactly, next, 7th point है, हम कई दिन से संगीत नहीं सुन रहे होंगे, We shall not have been listening to music for many days. Very good, बिल्कुल सही है। We shall not have been listening to music for many days. माली 10 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। Gardener will not have been watering the plants since 10 o'clock. The gardener will not have been watering the plants since 10 o'clock. बिल्कुल सही। बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। The child will not have been crying in the room since morning. The child होना चाहिए यहाँ पे। The child will not have been, बच्चे का रोना weeping कहलाता है, weeping in the room since morning. The child will not have been
वीपिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग, क्राइंग भी चल जाएगा, गलत नहीं है. ओके द चाइल्ड चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन वीपिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट, मास्टर जी दो दिन से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे होंगे. द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर टू डेज. द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर टू डेज. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं. अगला एक्सरसाइज क्या रहता है आप लोग का? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज होती है अगली. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज 51 के लिए सभी तैयार हैं? क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग. विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या विनोद एक घंटे से नदी के किनारे नहा रहा होगा? विल विनोद हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर वन आवर. नदी के किनारे, नदी के किनारे, बिसाइड द रिवर, बिसाइड द रिवर सिंस नहीं फॉर वन आवर. यस, देखते हैं. या बैंक ऑफ द रिवर है ना, इन द ऑन द रिवर बैंक. विल विनोद हैज बीन, विन विनोद हैज बीन है ना. विल देखिए हैज बीन नहीं आएगा यहाँ पे. द पीपल शेल हैव बीन, विल हैव बीन. सो हैज का तो कोई चांस ही नहीं है, हैव आएगा यहाँ पे. विल विनोद हैव बीन बाथिंग ऑन द रिवर बैंक फॉर वन आवर. ओके, बाथिंग ऑन द साइड ऑफ रिवर या ऑन द रिवर बैंक फॉर वन आवर, बिल्कुल सही आपका. नेक्स्ट, क्या बादल दो घंटे से पानी बरसा रहे होंगे? Will the clouds have been raining water since for 2 hours. Will the clouds have been showering the water? हाँ, raining the water, पानी बरसाना, showering the water है ना, वो एक ही चीज होती है. वैसे बरसाने को रेनिंग बोलते हैं और शावरिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी. क्या होता है? बूंदाबांदी. शावरिंग द वाटर या रेनिंग द वाटर फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. विल द क्लाउड्स हैव बीन शावरिंग द वाटर फॉर 2 आवर्स. क्या राहुल एक घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा? विल Will Rahul have been flying the kite on the roof for 1 hour? बिल्कुल सही. क्या लड़कियां सुबह से स्टेज पर मधुर गीत गा रही होंगी? Will the girls? Will the girls have been singing a sweet song on the stage since morning? Will the girls have been singing sweet songs? Singing sweet songs. कई सारे गाने हैं तो singing a song नहीं आएगा. Singing sweet songs on the stage since morning. Okay, singing sweet songs है ना. क्या लिखा है? मधुर गीत गा रही होंगी. क्या माली एक घंटे से पौधों को पानी दे रहा होगा? Will the gardener have been watering the plants for 1 hour? बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा? Since morning. Will the shopkeeper have been, भाई साहब been भूल गए आप. Will the shopkeeper have been selling the sweet since morning. Have के साथ been आएगा ना, काम लगातार हो रहा है तो been आएगा. क्या लड़के एक घंटे से नदी में नहा रहे होंगे? Will the boys have been taking bath in the river for 1 hour. Will the boys have been taking bath in the river for 1 hour. बिल्कुल सही. क्या नरेंद्र मोदी जी एक घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे? Will the Narendra Modi have been delivering a speech since in the stage, on the stage, on the stage, since for one hour. बिल्कुल सही. Since नहीं लगेगा, for लगेगा. Will Narendra Modi ji has been, अरे भाई यहाँ पे have आएगा. Will नरेंद्र मोदी जी हैव बीन डिलीवरिंग ए स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 1 आवर. ओके,
यस विल नरेंद्र मोदी हैव बीन डिलीवरिंग द स्पीच फॉर वन आवर. क्या शाम से आसमान में सितारे चमक रहे होंगे? Will the stars have been shining in the sky since evening? बिल्कुल सही. Will the stars have been shining in the sky in since evening? चलिए लास्ट एक्सरसाइज 51 को कवर करते हैं. 51 में हमारे कैसे क्वेश्चन होंगे? WH वाले क्वेश्चन होंगे. 51 तो हो गई, सॉरी 52 को हमको कवर करना है ना. यस 52 को. चलिए बाहर एक घंटे से कौन रो रहा होगा? Who will have been weeping outside या crying outside for one hour? Crying मतलब चिल्लाना होता है, यहाँ पे रोना है तो weeping use होगा. ओके यस. देखिए crying का मतलब होता है बहुत गले फाड़ के रोना, weeping मतलब सुबक सुबक के रोना. सो ठीक है दोनों चल जाएगा. Who will have been weeping या crying outside for one hour? लड़के कमरे में सुबह से क्या कर रहे होंगे? What से शुरू होगा? What will the boys have been doing in the room since morning? What will the boys have been doing since morning? What will the boys कमरे में, हाँ भाई साहब in the room लिखना पड़ेगा यहाँ पे. आपका बिल्कुल सही है. बंदर एक घंटे से क्यों लड़ रहे होंगे? Why will the monkeys have been quarreling या फिर fighting? For one hour. Why will the monkeys have been fighting for 1 hour? बिल्कुल सही. While will the monkeys have been fighting for 1 hour? बिल्कुल सही है. पता नहीं एक घंटे से वह अपना गृह कार्य कैसे कर रहा होगा. पता नहीं एक घंटे से वह अपना गृह कार्य कैसे कर रहा होगा. हाँ वो तो ठीक है, बट पता नहीं का सेंस पहले आएगा. बताइए, देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो इतना इसने वाले पार्ट को प्रेजेंट में जाएगा. किस में जाएगा? ये प्रेजेंट में. तो कैसे जाएगा है ना. आई डोंट नो क्या है. आई डोंट नो. अब जैसे आप कहोगे पता नहीं, तो ये पता नहीं का मतलब किसे? मुझे पता नहीं. पता नहीं का मतलब मुझे पता नहीं. सो आई डोंट नो, बाकी उसके बाद जो आपने कहा वैसे का वैसे ही आएगा. आई डोंट नो हाउ विल ही हैव बीन डूइंग दिस हिज होमवर्क फॉर 1 आवर. बाकी सब कुछ वही है, बट पहला वाला पार्ट क्या आएगा? आई डोंट नो. तो याद रखिएगा अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस आपका चल रहा है तो जो पहला वाला पार्ट होता है एक साथ में जो एक्स्ट्रा आता है वो किस में आता है? हमेशा प्रेजेंट में. किस में आता है? प्रेजेंट में. चलिए इस कक्षा में विद्यार्थियों को सुबह से कौन पढ़ा रहा होगा? Who have been teaching in this class since morning? इस कक्षा में है विद्यार्थियों को. हाँ in this class, तो यहाँ पे आना चाहिए who have been teaching the students in this class, क्योंकि विद्यार्थी भी तो बोला गया है. तो आपका बिल्कुल सही है. राहुल कई महीनों से इस कंप्यूटर कक्ष पर अभ्यास कैसे कर रहा होगा? How will Rahul Practicing on this computer. Okay. On this computer. हाँ. For many months. Yes. देखते हैं. How will Rahul have been practicing on this computer for many months. ठीक है. Driver एक घंटे से वह बस अधिक तेज क्यों चला रहा होगा? Why will the driver have been driving faster than that?
दैट, सो फास्ट भी बोल सकते हो या फास्टर देन दैट, ठीक है ना, फास्टर देन दैट, अधिक तेज या फास्टर देन दैट बस फॉर वन आवर. व्हाई विल हैव द ड्राइवर हैव बीन ड्राइविंग सो फास्टर, है ना, ड्राइविंग द बस सो फास्ट, ड्राइविंग द बस सो फास्ट, है ना, फॉर वन आवर, या व्हाई विल हैव द ड्राइवर हैव बीन ड्राइविंग फास्टर देन दैट, फास्टर देन दैट बस फॉर वन आवर. समझ गया, क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लड़कियां दो साल से कौन से स्कूल में पढ़ रही होंगी. Which school will these girls have been studying for two years? In which school will these girls have been studying for 2 years? बिल्कुल सही, very good, बिल्कुल सही बताया आपने. ये वह 2010 से किस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा. Which factory will he have been working since 2010. बस, इन विच फैक्ट्री विल ही हैव बीन वर्किंग, इन विच फैक्ट्री सबसे पहले आ गया, इन विच फैक्ट्री, ओके, फिर विल आ गया, ही हैव बीन वर्किंग सिंस 2010, ओके, इन विच फैक्ट्री विल ही हैव बीन, देखिए इन विच फैक्ट्री पूरा का पूरा क्या बन गया, डब्ल्यू एच, क्या बन गया, डब्ल्यू एच, उसके बाद विल फिर विल लग गया, फिर ही हैव बीन आ गया, ओके, वर्किंग सिंस 2010. मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे. वेयर विल द पीकॉक्स हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग. वेयर विल हैव बीन, वेयर विल द पीकॉक्स हैव बीन, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई आपसे, वेयर विल द पीकॉक्स आएगा फिर उसके बाद हैव बीन आता है ना. हाँ, हैव बीन पीकॉक्स के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में. वेयर विल द पीकॉक्स हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग. वेयर विल द पीकॉक्स हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग. चलिए अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव. क्या आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखते हैं. चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए तैयार हैं. एक्सरसाइज नंबर 53, क्या शाम से आसमान में तारे नहीं चमक रहे होंगे. विल द स्टार्स हैव नॉट बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस इवनिंग. Will the stars not have been? Will the stars not have been? देखिए सब्जेक्ट के बाद not लगेगा. Will the stars not have been shining in the sky since शाम है तो भाई evening आएगा. यहाँ गलती लिखी इसने morning वाले ने, ठीक है ना, evening आएगा. बिल्कुल सही युवराज का. क्या गांव में 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी. Will it raining? Will it is raining? गलत हो गया भाई साहब यहाँ तो. Okay. बिल्कुल गलत है. देखिए कैसे बनेगा ये, तो भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बन रहा है अपना. विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग, पता है ना आपको, विल इट के बाद क्या आएगा, नॉट, फिर हैव बीन रेनिंग आएगा. भाई सिंपल है, वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है. विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग इन द विलेज फॉर 2 आवर्स. भाई ये कहाँ चला गया, हैव बीन रेनिंग कहाँ प्रेजेंट में चलेगा भाई साहब, ये तो गागे गी लगा हुआ है ना, है ना. सो विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग, विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग. क्या वह कई दिन से उस लड़के से बात क्यों नहीं कर रहा होगा. व्हाई विल ही हैव नॉट बीन टॉकिंग टू दैट बॉय फॉर मेनी डेज. व्हाई विल ही नॉट हैव बीन टॉकिंग, व्हाई विल ही नॉट हैव बीन टॉकिंग टू दैट बॉय फॉर मेनी डेज. बिल्कुल सही. इस स्कूल में कौन सा अध्यापक कई दिन से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा होगा. Which teacher will not have, मेरी समझ में विच ऑफ द टीचर होना चाहिए, है ना. Which of the teacher, हाँ, will not have been teaching to the students in this school for many days. Yes, तो देखते हैं विच टीचर या विच ऑफ द टीचर. बिल्कुल सही है. विच टीचर मतलब कौन सा टीचर, विच ऑफ द टीचर मतलब गिवन में से कौन सा, दिए गए में से कौन सा. विच टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर मैनी डेज. विच टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर मैनी डेज. बिल्कुल सही, युवराज ने सही जवाब दिया. मदन 2 दिन से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा. मदन 2 दिन से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा. Why will Madan
Why will madan have not been? गलत कहे गए आप देखिए यहाँ पे वाई विल मदन के बाद नॉट आएगा. वाई विल मदन के बाद क्या आएगा? नॉट. सब्जेक्ट के बाद सीधे नॉट आता है भाई, याद रखो. वाई विल मदन नॉट हैव बीन, वाई विल मदन नॉट हैव बीन क्या होगा? गोइंग टू दिल्ली है ना, फॉर टू डेज. फॉर टू डेज वाई विल मदन नॉट हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर टू डेज, ठीक है ना. चलिए अगला बताइए. लोग दो दिन से अपनी जरूरत का सामान क्यों नहीं खरीद रहे होंगे? Why will the people not have been buying purchasing को जो भी लगाना है purchasing their the use of things. गलत हो गया यहाँ पे, है ना. बताया था ना मैंने क्या होता है. Why will the people not have been buying their needed things? Buying their needed thing for two days. Why will the people not आएगा, फिर have been आएगा. Buying their needed things for two days. ठीक है. Next, पुलिस सोमवार से चोर का पीछा क्यों नहीं कर रही होगी? The police why will the police not have been chasing the thief since Monday. Yes, बिल्कुल सही है ना. या चेजिंग के साथ आप रनिंग आफ्टर भी लगा सकते हैं. पीछा करने को क्या बोलते हैं? हाँ, रनिंग आफ्टर. तो पुलिस के लिए रनिंग आफ्टर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. सो क्या हो जाएगा देखिए, वाई विल द पुलिस नॉट हैव बीन, वाई विल द पुलिस, पुलिस के बाद नॉट, फिर आ गया हैव बीन, रनिंग आफ्टर द थीफ सिंस मंडे. बिल्कुल सही. राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रही होगी? वाई हर आएगा लड़की भाई हर वर्क सिंस 10 o'clock. यस, वाई विल राधा नॉट हैव बीन डूइंग हर होमवर्क, डूइंग हर होमवर्क गृह कार्य है तो होमवर्क आएगा, सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock. नेक्स्ट है, क्या वह 6 महीने से कठिन परिश्रम नहीं करता होगा? वर्किंग हार्ड होता है कठिन परिश्रम को. विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस सिंस नहीं फॉर 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 सिक्स फॉर सिक्स मंथ्स. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे है ना. आपको सिंस और फॉर की पूरी नॉलेज है, आपने फॉर लगाया यहाँ पे. विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 मंथ, या आप ये ऐसी लगा दे डू डूइंग हार्ड वर्क होता. सो उससे अच्छा है सीधे आप क्या लगाएं, मेहनत करने को बोलते हैं वर्किंग हार्ड. क्या बोलते हैं? विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 मंथ. क्या इस मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम 6 महीने से अभ्यास नहीं करती रही होगी? हाँ बताइए. हाँ बताइए क्या है ना क्या. हाँ तो विल से स्टार्ट होगा. विल इंडियन विल द इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम विल द इंडियन क्रिकेट टीम हाँ हैव नॉट बीन हाँ विल द इंडियन क्रिकेट टीम के बाद फिर क्या आएगा? नॉट हैव बीन नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन दिस ग्राउंड सिंस की फॉर 6 मंथ्स. यस, तो देखिए विल द इंडियन क्रिकेट टीम के बाद नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑन दिस ग्राउंड ग्राउंड फॉर 6 मंथ्स. ओके, सो गाइज ये था हमारा पूरा का पूरा टेंस. आप देख रहे हैं बड़ी खुशी की बात है, यहां पर लिखा है द एंड. क्या लिखा है? द एंड. तो टोटल बहुत ही मतलब अपन लोगों ने 53 टाइप के टेंस रीड कर लिए हैं. कितने टाइप के? 53 टाइप के टेंस रीड कर लिए हैं. एंड थ्रू आउट द 10th क्लास आपके पूरे टेंस मैंने कवर करा दिए हैं. अब बस आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, जितने भी लोगों ने हमें पढ़ा है, कि आपको ये टेंस रिवाइज करने जाने टाइम टू टाइम में. यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क हियर टू लर्निंग दीज टेंसेस, सो डोंट मिस द प्रैक्टिस. ओके, एंड ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिसिंग दीज टेंसेस वेन एवर यू गेट सम टाइम. ऑलवेज इनकी प्रैक्टिस आपको करना है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद युवराज बैच. हैव ए नाइस डे. बाय बाय.